इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 4 स्टडी किया, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था और वो रिपीटेड भी था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनमें हमारे पास वो फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनके डिनोमिनेटर में एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप वही होता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करते हैं। लेट एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू। जब भी हमारे पास एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करते हैं तो वो हम करते हैं इस फॉर्म में ax प्लस बी डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। और अगर वो रिपीट हो रहा होगा तो जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही वो डिनोमिनेटर में आता जाएगा और उसकी एक डिग्री इंक्रीज करती जाएगी। प्लस ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। उसके बाद वाला स्टेप ये होता है कि हम दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर यहां पे है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। जब दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 वाली टर्म्स को, और उसके बाद जिनके कोफिशेंट जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। इनको मैं मल्टीप्लाई करके और इनके जो कोफिशेंट्स हैं उनको जो एक जैसे टर्म्स हैं उनके कोफिशेंट्स को इकट्ठा करके एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। आप खुद पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे एक जैसी टर्म्स के। अगर हम एक्स क्यूब के लिए कंपेयर करें तो इस साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 है और इस साइड पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो a है। सो a इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको एक्स स्क्वेयर के लिए कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो 0 है और इस साइड पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस 1।
Similarly, हम x के coefficients compare करेंगे, इस side पे x का coefficient 2 है और इस side पे x का coefficient a plus b plus c है. a की value भी हमारे पास है a is equal to 1, b की value भी हमारे पास है b is equal to minus 1, तो वो values हम यहाँ पे put करेंगे, तो हमारे पास c की value आ जाएगी, c is equal to 2. उसके बाद जो constants हैं उनको दोनों sides पे compare करेंगे. For constant, इस साइड पे कांस्टेंट 2 है और इस साइड पे कांस्टेंट b plus d है, तो b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी d is equal to 3. हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई. ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहां पे पुट कर देंगे जहां पे हमने ये पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो आंसर विल बी x cube plus 2x plus 2 divided by x square plus x plus 1 whole square is equal to x minus 1 over x square plus x plus 1 plus 2x plus 3 over x square plus x plus 1 square. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. अब जब भी हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर में एक repeated irreducible quadratic factor होगा, तो उसके जब हम partial fraction suppose करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि repeated हो या ना हो, irreducible quadratic factor जब होता है तो उसके लिए हम partial fraction suppose करते हैं ax plus b इस form में, तो उसके denominator में हमारे पास वो irreducible quadratic factor आ जाता है. लेकिन जब वो repeat हो रहा होगा तो वो उतने टाइम्स ही आएगा जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा और उसकी डिग्री हर दफा इंक्रीज करती जाएगी. उसके बाद दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बन गई और उस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ए बी सी और डी की वैल्यूज आ गई और वो वहां पे पुट कर दी जहां पे पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो आंसर आ गया. इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होने हैं. इनमें से मैं एक दो क्वेश्चंस और करूंगा, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 प्लस 6x रेज टू पावर 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर. पहला स्टेप वही करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करेंगे. लेट 4x raised to power 4 plus 3x cube plus 6x square plus 5x divided by x minus 1 into x square plus x plus 1 whole square is equal to x minus 1 एक linear factor है. तो linear factor के लिए हम simply लिख देते हैं a over x minus 1 plus x square plus x plus 1 जो है ये हमारे पास एक irreducible quadratic factor है. तो इसके लिए bx plus c divided by x square plus x plus 1.
ये रिपीट भी हो रहा है तो प्लस dx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर। सिंपली लीनियर फैक्टर के लिए तो हम वेरिएबल जो सपोज करते हैं वो a b c कोई भी हो सकते हैं, और इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए इस फॉर्म में करते हैं ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, इस तरह के कोई भी, तो वो हमने सपोज कर लिए। उसके बाद दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर। जब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन। उसके बाद वही स्टेप के जब भी हमारे पास एक लीनियर फैक्टर होता है तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको जीरो के इक्वल सपोज करते हैं, यानी कि अगर एक्स माइनस वन को पुट कर देंगे जीरो के इक्वल तो इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां जहां पे एक्स होगा वहां वहां पे वन पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी सी डी और ई जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जहां जहां पे एक्स होगा वहां वहां पे आप वन पुट कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वेयर। तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2। उसके बाद इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये दो तीन स्टेप्स हैं, वो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप उसको खुद करेंगे। ये स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद पहले इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा कर लेंगे। जो उसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2a प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3a प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस डी प्लस ई इंटू एक्स एंड प्लस a माइनस सी माइनस ई कॉन्स्टेंट। ये आपके पास रिजल्ट आएगा जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे और इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। उसके बाद वही स्टेप
कि दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, x रेज टू पावर 4 के लिए कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे 4 है, इस साइड पे a प्लस बी है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b की, a की वैल्यू क्योंकि हमें पता है a इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू b 2 आ जाएगी। सिमिलरली आप x क्यूब के लिए कंपेयर करेंगे, x क्यूब का इस साइड पे कोफिशिएंट 3, इस साइड पे 2a प्लस सी, वहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद x स्क्वायर के लिए कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, इस साइड पे 3a प्लस डी, ए की वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स के लिए कंपेयर कर लें तो एक्स का इस साइड पे कोफिशिएंट 5, इस साइड पे 2a माइनस बी माइनस डी प्लस ई, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.4 की उन क्वेश्चंस को देखा जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर में इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया गया है और उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरीके से सपोज करते हैं कि जो भी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसका डिनोमिनेटर ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होगा और जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही हम उसको लिखेंगे और उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए बाकी सारे क्वेश्चंस में किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।